तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपनी बातों को हम लोग मंडे नाइट रॉ से। तो मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू मैं आपको बताता हूं, कल का एपिसोड फिर से वही सुबह में आएगा, तो आपको देखना या नहीं कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। देखते वगैरह आप लोग अभी करेंटली लाइव या फिर नहीं, क्या क्या कन्फर्म है मैं आपको बता देता हूं। तो जे उसो वर्सेज डायमंड प्रस्ट का मैच है, शायद ये मेन इवेंट हो सकता है बिकॉज जे उसो इस मैच के अंदर, तो ये वाला मैच आपको देखने को मिलेगा। जे उसो करेंटली जजमेंट डे के साथ फ्यूड के अंदर है, तो ये मैच उसी फ्यूड का एक पार्ट है। देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एनएक्सटी वुमेन्स टाइटल का मैच, बेकी लिंच ऑन द लाइन रखेंगी अपनी एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप टेगन नॉक्स के अगेंस्ट, और शायद से इनकी फ्यूड यहाँ पे स्टार्ट होगी। अनडाउटली यहाँ पे बेकी लिंच जो है टाइटल रिटेन करेंगी, लेकिन इसके बाद मल्टीपल मैचेस इनके हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। तो ये वाला मैच आपको कल देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ में। गुंथर और चैंपा की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आपको देखने को मिलेगी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब इनका आईसी टाइटल का मैच फास्टलेन में होगा या कहाँ पे होगा, डेस्टिनेशन क्या है वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट आई गेस फास्टलेन ही होगा। तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आपको कल के रॉ में देखने को मिलेगी, ये एक चीज़ कंफर्म करी गई है। देन इसके बाद WWE ने सेना बेजलर और नाया जैक्स का मैच कंफर्म किया है। नाया जैक्स का रिसेंटली में जो है रिटर्न हुआ था, काफ़ी सारे फैंस इससे ना खुश थे, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे ठीक है अब आ गई तो यार झेलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में इनका मैच आपको कल के रॉ में देखने को मिलेगा। देन मिस टीवी है ड्रू मैकइंटायर के साथ, और यहाँ पे आप कुछ और ईस्टर एग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो ड्रू मैकइंटायर के हील टर्न को लेके। एंड एट द एंड WWE ने कन्फर्म किया जेवियर वुड्स वर्सेज आइवर का मैच। तो ये कुछ कार्ड है करेंटली मंडे नाइट रॉ का, इसके अलावा भी चीज़ें होंगी फॉर श्योर, लेकिन अभी के हिसाब से जो ऑफिशियल कंफर्म कार्ड है वो कुछ यही है जो कि मैंने आपको बताया। अब क्या आप लोग रॉ देख रहे हो या फिर नहीं कमेंट करके बताना। गो होम शो होने वाला है मंडे नाइट रॉ का, तो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं WWE इसको कितना इंपॉर्टेंट फील कराती है एक्चुअली शो के दौरान। तो ये कुछ कार्ड है मंडे नाइट रॉ का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेड कारगिल को लेके। तो करेंटली बहुत ही हाइप है जेड कारगिल को लेके, काफ़ी सारी अपडेट्स मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पर शेयर करी है, एंड डेली कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज़ आती है जेड कारगिल को लेके। अभी स्मैकडाउन में हमने देखा था कि WWE ने एक हाइप पैकेज दिखाया जेड कारगिल के लिए। WWE छोटी से छोटी चीज़ में भी जो है मात नहीं खा रही है जेड कारगिल को लेके। WWE ने इवन परफॉर्मेंस सेंटर की फोटोज़ वीडियोस सब शेयर करी है भाई, जो कि चीज़ बहुत ही रेयर करती है WWE। तो जेड कारगिल को बिग डील दिखाने में WWE कहीं से भी जो है मिस्टेक नहीं कर रही है, कहीं से भी एक मौका छोड़ नहीं रही है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रही है। केविन नैश की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, अब आप लोग अग्री कर तो इससे आप नहीं कॉमेंट करके बताना। इनकी स्टेटमेंट है कि जो जेड कारगिल है उनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन पीपल्स चैंप की प्रेजेंस की तरह ही है, यानी कि ग्रेट वन की तरह ही उनकी प्रेजेंस है, इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जेटिक। अग्री करूंगा मैं अभी तक तो इस चीज़ से, एंड मुझे लगता है कि WWE आगे भी जो है इनको कुछ इसी तरीके से मेंटेन करके रखने वाली है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वेमस डिवीजन की ये रॉक बन सकती हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। अभी रॉक का रिसेंटली में रिटर्न हुआ था, जितनी हाइप रॉक के रिटर्न पर बनी थी कुछ उसी के आसपास जेड कारगिल की WWE साइनिंग के आसपास भी बन गई। तो कहीं ना कहीं जेड कारगिल वेमस डिवीजन के लिए रॉक वाला काम करेंगी, ग्रेट वन वाला, एंड कुछ एक्स्ट्रा आई बॉल्स लेके जरूर आएंगी। जिस तरीके से जेड कारगिल की फिजिक है, जिस तरीके से वो दिखती हैं हार्डकोर, वो देख के कहीं ना कहीं लगता है कि जेड कारगिल को कैजुअल्स भी देखना रसल करते हुए काफ़ी पसंद करेंगे। तो ऐसे में वो रॉक वाला इंपैक्ट फॉर श्योर वेमेंस डिवीजन के अंदर ला सकती हैं, और यही कुछ बातें करते हैं केविन नैश। क्या आप लोग अग्री करते हो इस चीज़ से कि जेड कारगिल वो रॉक वाला इंपैक्ट लाएंगी वेमेंस के लिए, वेमेंस डिवीजन के लिए, कॉमेंट करके बताना। क्या आपको उनकी प्रेजेंस में से ये फील आती है कॉमेंट करके बता सकते हो। अभी जब वो एंट्रेंस लेंगी भाई तो हमें और अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि आखिर वो कितनी इलेक्ट्रीफाइंग है, कितनी एनर्जेटिक है आई एम सॉरी। WWE का भी रोल जो इस चीज़ में काफ़ी मेजर है, WWE जैसे चाहे वैसे दिखा सकती है। अब WWE कितना बढ़ा चढ़ा के इनको दिखाएगी जब इनका एक्चुअली में डेब्यू होगा एरिना के अंदर, तो वो देखना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के हिसाब से वीडियो पैकेज वगैरह से, इंटरनेट हाइप से, सब कुछ काफ़ी ऊपर का लग रहा है, काफ़ी टॉप नॉच कैलिबर का लग रहा है। तो अभी के हिसाब से कहना गलत नहीं है कि जेड कारगिल वेमेंस डिवीजन के लिए रॉक वाला काम करने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। तो डोमिनिक मिस्टीरियो क्या वापस से बनने वाले हैं NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन? डेव मेल्जर की तरफ से एक अपडेट आई निकल के सामने, एंड मेल्जर का कहना है कि डोमिनिक मिस्टीरियो देखो टाइटल हार तो गए NXT के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप ट्रेक विलियम से, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वो वापस से NXT में जाएंगे एंड उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये कितने टाइम बाद मिलेगी, कितनी जल्दी मिलेगी नहीं पता, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ कि जल्दी ये चीज़ होगी, क्योंकि फिर बहुत टाइम बाद रीमैच का कोई सेंस नहीं बनेगा, और ज़िंदगी भर अपने करियर में डोमिनिक यही थोड़ी करते रहेंगे। तो डोमिनिक जो है रीमैच के लिए NXT जाएंगे, बहुत ही जल्दी जाएंगे, एंड उसके बाद चैलेंज करेंगे ट्रिक विलियम्स को। एंड इवन कहना है डेव मेल्जर का कि मे बी जो डोमिनिक है वो वापस से NXT की नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जीत सकते हैं।
अब इसका क्या सही में कोई सेंस बनेगा भी बनेगा या नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि अभी अभी वो हारे हैं एंड उसके बाद वापस से फिर से इस टाइटल के लिए जाना पहले तो स्टुपिडिटी है मेरे हिसाब से वही कि वापस NXT में डालो और जाना भी उसके बाद जीतना भी ट्रिक विलियम्स को लेके जो हाइप बनी जो लोगों ने पसंद किया तो फिर उसके साथ भी एक खिलवाड़ हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये टाइटल वापस से नहीं जीतनी चाहिए डोमिनिक को, बट अकॉर्डिंग टू डेव मेल्जर ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। डोमिनिक अभी वापस NXT में जाएंगे, ट्रिक विलियम्स को चैलेंज करेंगे NXT के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए, रीमैच डिमांड करेंगे एंड वहाँ पे वो वापस से टाइटल जीत जाएंगे। अब ये चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती है मैं नहीं कह सकता, वो धीरे धीरे जब मैं खुद देखूंगा चीज़ों को अपनी आंखों से तभी बता पाऊंगा, लेकिन अभी के हिसाब से ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वियर्ड एंड थोड़ी सी स्टूपिड भी साउंड कर रही है कि यार अभी हारे हैं फिर वापस जीता नहीं है तो फिर हराए क्यों, कुछ समझ नहीं आता मुझे ये सब। लेकिन हाँ WWE का फंडा है काफ़ी अलग भी होता है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, कभी क्या मैक्सिमम हो जाती है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके बताना कि आप लोग चाहते हो कि डोमिनिक वापस से NXT की नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जीते या फिर मेन रोस्टर पे अब कंटिन्यू करो, बस कमेंट करके बताना। आखिरी स्टोरी कवर करते हैं, जॉन सीना के फैंस यार डिसअपॉइंट हो जाओगे सुन के, लेकिन एक मेजर अपडेट है। जॉन सीना के फैंस हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन कब बनेंगे कब बनेंगे, क्या हो अगर मैं बोलूँ कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये बात जॉन सीना ने खुद कही है। अभी वो आए थे इंडिया सुपरस्टार स्पेक्टेकल के लिए तो उन्होंने इंटरव्यू दिया एंड ये इंटरव्यू आज टेलीकास्ट करा जा रहा था सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे। तो आज इस इंटरव्यू के अंदर जॉन सीना बात करते हैं कि देखो मैं रिटायर तो बहुत जल्दी होने वाला हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से मालूम है और मैं नहीं चाहता था कि मैं इंडिया में कम्पीट करे बिना रिटायर हूँ, क्योंकि 2006 से ही मेरा सपना था कि मैं इंडिया में आऊँ कम्पीट करूँ एंड एक मैच दूँ यहाँ पे, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे जब तक नहीं होती मैं रिटायर नहीं हो पाता। बात रही अगर चैंपियनशिप रेन की 17 टाइम टाइटल रेन की तो मुझे नहीं लगता मैं वो चीज़ दे पाऊँगा क्योंकि मैं अब उस हिसाब से कैपेबल नहीं हूँ। तो मेरे लिए अब टाइटल रेन उतनी मैटर नहीं करती है, मेरे लिए चैंपियन बनना कोई भी मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मैटर बस करता है कि मैं WWE को अलग अलग कंट्रीज़ में दुनिया में अलग अलग कोने में जाके फैला रहा हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी रेन सबसे बड़ी चैंपियनशिप विक्ट्री वही होगी, चैंपियनशिप टाइटल अगर कह रहा हूँ तो वो मेरे लिए अब वो उतना मैटर करती नहीं है। ये बात शायद जॉन सीना ने पहले भी कहीं कर रखी है लेकिन जॉन सीना ये चीज़ कंफर्म करके बताते हैं कि उन्हें टाइटल नहीं भी मिलेगी तो उन्हें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो उस चीज़ के लिए रस कर ही नहीं रहे। तो जॉन सीना की मर्जी नहीं है कि वो चैंपियन बने, तो WWE को भी क्या ही दोष दे भाई, WWE भी कैसे बनाएगी अगर जॉन सीना चैंपियन नहीं बनना चाहते हैं। तो आई थिंक ये आखिरी मौका था WWE के पास ये 2 महीने का जो रेन था जॉन सीना का इस चैंपियन को चैंपियन बनाने का, लेकिन अब ये टाइम भी बीतते जा रहा है, 1 महीने तो ऑलरेडी बीत चुका है। काफ़ी सारे फैंस कह रहे हैं कि वेस्ट हो गया रन वेस्ट हो गया पता नहीं वो मुझे, लेकिन 1 महीना से बच रहा है तो अब तो भाई क्या ही चैंपियन बनाएंगे और वो तो वैसे भी नहीं होने वाला। तो मे बी आपको 17 टाइम चैंपियन बनते हुए जॉन सीना कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, ये इनकी बातों से अंदाज़ा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को, ऐसे ही WWE रिलेटेड न्यूज़ वीडियोस अपडेट्स रूमर्स वगैरह सब कुछ के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, साथ में ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को, इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।